कैसे करें हम औषधीय पौधों और सुगंधित पौधों की खेती, पूरी जानकारी है इस फीचर में। अब हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर गए हैं जहां कृषि जगत में वैज्ञानिक एवं व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक हो गया है। अपने देश में औषधीय एवं सुगंधित पौधों की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में यदि वैज्ञानिक पद्धति से इनकी खेती की जाए तो ये किसानों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। अतः किसान भाइयों को चाहिए कि वे इनकी खेती प्राकृतिक तरीके से करें और इनमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशी का प्रयोग ना करें। वे इनकी खेती के लिए जैविक पद्धति अपनाएं ताकि इनकी गुणवत्ता बनी रहे और बाजार में इनकी अच्छी कीमत मिल सके। औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती के लिए किसान भाई अनुपयोगी एवं परती भूमि का ही चयन करें। वे इनकी खेती बलुई दोमट मिट्टी में करें तथा खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। औषधीय पौधों में अभी जो ज्यादा जिस पे जोर है, अश्वगंधा है, सतावर है, सफेद मुसली है, गिलोय है, तुलसी है, इसको कब लगाते हैं? देखिए ये सारे जो पौधे हैं ना मोस्टली जैसे खरीफ में है, मोस्टली खरीफ में जो कि पानी वाले हैं। अब जैसे अश्वगंधा को छोड़ दीजिए, अश्वगंधा जो है थोड़ा वो उसको चाहिए शुष्क जमीन, वो बारिश में वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो थोड़ा सा बारिश के बाद करेंगे इसको। पौधों में जो प्रमुख तौर पर हैं जैसे सेटोनेला है, लेमन ग्रास है, वेटिवर जिसे खास भी बोलते हैं, मेंथोल मेंथा भी है। अगर आपके पास जमीन नहीं है तो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लीज पे ले लीजिए, लोगों से लीज पे ले लीजिए, नहीं अकेले होता तो चार पांच किसान मिल के ले लीजिए। तो एक हेक्टेयर कम से कम हो चाहिए। एक बार लगाने से मतलब अधिकांश में तीन साल तक आप उससे फायदे ले सकते हैं। जो शुरुआती दौर में एक साल में ही थोड़ा ज़्यादा लागत लगती है और आगे दो साल तक लागत कम होती है और मुनाफा ही मुनाफा है। औषधीय एवं सुगंधित पौधों से यदि किसान भाई अधिक लाभ कमाना चाहते हैं तो उन्हें इनका प्रसंस्करण करना उचित होगा। प्रसंस्करण करने के कई फायदे हैं। इससे इनके उत्पाद की कीमत बढ़ जाती है तथा वे इसे अधिक दिनों तक सुरक्षित भी रख सकते हैं। अगर बीज अच्छे नहीं होंगे तो आपको अच्छी क्वालिटी के पौधे भी नहीं मिलेंगे और ना ही अच्छी गुणवत्ता के उसमें से रसायन निकल पाएंगे। तो ये हमारे जो कुछ संस्थाएं हैं जैसे हमारे देश में CSIR है, CSIR के अंदर CMAP है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स है, तो जिसके लखनऊ में, बेंगलोर में, ये गुजरात में, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में सब जगहों पे इनके मतलब जो सेंटर्स हैं वहाँ पे, पंतनगर में भी है, वहाँ सेंटर से इनको मिल जाएंगे। आनंद में तो बहुत अच्छा सेंटर है, मदद भी करते हैं लोग, या जो भी यहाँ पे जितने भी प्रशिक्षण केंद्र वगैरह झारखंड में जैसे कृषि विज्ञान केंद्र हैं या ट्रेनिंग सेंटर जो भी हैं, आप वहाँ कॉन्टैक्ट करेंगे, वहाँ पे आपको जरूर मदद मिलेगी। वहाँ से कुरियर या किसी माध्यम? जी हाँ, कुरियर से मतलब मदद मिल जाती है, कुरियर से आपको भेज देंगे वो जानकारी। जी हाँ, बहुत जरूरत ऐसा है कि पैसे बाद में पेमेंट करें आपको, भले लोग मदद करते हैं। इस तरह से यदि झारखंड के किसान भाई औषधीय एवं सुगंधित पौधों के महत्व को समझते हुए इसकी व्यावसायिक खेती करें तो वे इनसे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और खुद को समृद्ध बना सकते हैं।